स्वागत है मेरे सभी दोस्तों, मैं हूँ आका और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आकाश लाइफ एंसर। आप लोग ने मेरा वीडियो आकाश वॉच कलेक्शन हैशटैग स्टेप चेंज इन इंटेक्स आयरिस एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच देखे ही होंगे, जिसमें ये इंटेक्स आयरिस एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच जो कंपनी से कुछ इस तरीके का दिखता है, उसका ओरिजिनल स्ट्रैप निकालकर उसमें कस्टम स्ट्रैप लगाने के बाद दिखाया था। आज का वीडियो हम उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट कह सकते हैं, जिसमें बस ये जो स्ट्रैप है इसको मैं निकाल दूंगा और इसका वॉच का बॉडी को मैं यूज करूंगा, जिससे ये मेरा स्मार्ट वॉच केवल एक ऐसा फोन बन जाएगा जो वॉल्स फुल्ली फंक्शनिंग स्मॉलेस्ट एंड्रॉइड फोन की श्रेणी में आ जाएगा। नमस्ते, बड़ों को प्रणाम और मेरे सभी दोस्तों को आका का प्यार। कोई चीज अगर मेरे मुताबिक ना हो तो मैं उसे घुमा फिरा के तोड़ बोड़ के अपने हिसाब से बना लूंगा। ये मॉडिफाइड लाइफ एंसर। मुझे पता है कि आप दोस्तों में से कुछ दोस्त ऐसा भी सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और ऐसे ये वाजिब भी है सोचना, क्योंकि ये पिन निकालो, स्ट्रैप निकालो और बस हो गया। पर मेरा यकीन माने, ये इतना भी आसान नहीं था। जिस वॉच का जब मैंने स्ट्रैप चेंज किया, उसी वक्त इस वॉच को मॉडिफाई करना पड़ा। दिखाता हूँ। तो ये मेरा इंटेक्स एरिस एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच का ओरिजिनल स्ट्रैप है। आप लोग थोड़ा सा करीब से देखिए तो यहाँ पे कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ है। इन दो जगहों पर इसका नेटवर्क मॉड्यूल हाउस किया जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई और नेटवर्क का एंटीना। अगर हम इसे ही निकाल दें तो फिर ये फुल्ली फंक्शनिंग तो नहीं हुआ ना, फोन कॉल्स नहीं हो सकते हैं, ब्लूटूथ नहीं चलेंगे, वाईफाई नहीं चलेगा, तो कहाँ से बना मेरा ये स्मार्ट वॉच वॉल्स स्मॉलेस्ट फुल्ली फंक्शनिंग 3G एंड्रॉइड फोन। तो फोन कॉल्स तो होना जरूरी है ना। आप लोगों को अब मैं थोड़ा सा करीब ले आता हूँ और कुछ औजार भी लेकर आता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें कैसे मैंने मॉडिफिकेशन किया था। पहले मैं आप लोगों को इस टैप का बैक पार्ट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर वो मॉड्यूल्स हाउस किया जाता है, उस जगह को मैंने बड़ी सावधानी से काट कर उस मॉड्यूल्स को मैंने निकाला है, जिससे कि ये वॉच अगर किसी दिन मुझे यूज करना पड़े तो मैं इसे फिर से इस्तेमाल कर सकूं। चलिए अब मैं आप लोगों को इस वॉच में जो स्ट्रैप लगा है, इस स्ट्रैप को मैं निकाल कर दिखाता हूँ, फिर ये मेरा फोन फुल्ली फंक्शनिंग एंड्रॉइड स्मार्टफोन बन जाएगा। अब ये बन चुका है वॉल्स स्मॉलेस्ट फुल्ली फंक्शनिंग एंड्रॉइड 3G फोन। अब मैं इसका बैक पैनल को ओपन करके दिखाता हूँ कि जो वो नेटवर्क मॉड्यूल था, ब्लूटूथ, वाईफाई और जो नेटवर्क का एंटीना था, उसको मैंने किस तरीके से बॉडी में प्लेस किया है। उसके बाद मैं इसको फिर से पैक करूँगा और उसको इस्तेमाल करके दिखाऊँगा, वाईफाई को, ब्लूटूथ को, फोन कॉल्स और थोड़ा बहुत कुछ एप्लीकेशंस।
तो मेरा बैक पैनल ओपन हो चुका है, तो आप इसमें देख सकते हैं इसका बैटरी। ये बैटरी को मैंने लिफ्ट किया तो यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं कि इसका एक इंटरनल केसिंग है। इसका यहाँ पे एक स्क्रू होता है और यहाँ पे भी एक स्क्रू होता है, और इसके ऊपर में प्लेट होता था। तो इस प्लेट को कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्ट करता था बॉडी को, तो उसको मैंने काट कर निकाल दिया है। और इसके नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर में रैप्ड हुए इसका मॉड्यूल्स, जो इसके नीचे की तरफ में मैंने प्लेस किया है। तो चलिए इसको भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर में एक मेमोरी कार्ड डालना है जो उसके नीचे में रहता है। तो वो एक स्क्रू यहाँ पे है, मैं उसे भी निकालता हूँ तो मेरा हाउसिंग निकल जाएगा। इसको इस तरफ अलग से रख देते हैं। सिंपल सा हाउसिंग जो है ये निकल गया। ये आपका हाउसिंग में चार्जिंग मॉड्यूल ज्वाइंट हो रखा है। तब इस बैटरी को हम आराम से इसके अंदर में डालकर इसको निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तरफ एक साइड से आया है और ये एक साइड से आया है, दोनों स्टेप्स का। और इसके नीचे में यहाँ पे मेमोरी कार्ड है। तो अब मैं इसका जो मेमोरी कार्ड है, इस वाले मेमोरी कार्ड को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये मेमोरी कार्ड को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 GB का सैमसंग का मेमोरी कार्ड है ये। सो मैं अब इसको लगाने जा रहा हूँ इसमें। तो मैंने 120 GB का जो सैमसंग का मेमोरी कार्ड था, मैंने इसको लगा लिया। अब चलिए इसको मैं अब वापस पैक करता हूँ। और यहाँ पे सिम कार्ड्स वगैरह भी रेडी है, जिसको मैं अभी डालूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वापस पैक किया जाए। तो इसका इसके थ्रू से ये बैटरी निकालेंगे अब हम। और इसका जो ये चार्जिंग मॉड्यूल है, इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट करना है। तो ये फिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी पर ये फिट पूरी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से ये निकल रहा है। इसको भी ऐसे करना है इस तरीके से, राइट। और ये यहाँ से बैटरी को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं, जिससे कि इसका चार्जिंग मॉड्यूल का हम अच्छी तरह से ये तो अब इस बैटरी को हम ऐसे लगा लेते हैं। और ये स्क्रू है, इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे फिर से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वो 128 GB वाला क्यों डाला, 32 GB वाला तो पहले से था। सिंपल, क्योंकि उस 32 GB में कुछ था ही नहीं, ऐसे कुछ डाला ही नहीं था मैंने। तो अब चले इस बैक पैनल को भी हम वापस लगा लेते हैं। सो ये बैक पैनल इस तरीके से आएगा, इस तरफ को ये कनेक्टर इसका चार्जिंग का कनेक्टर के साथ पॉइंट करेगा। इसको थोड़ा सा प्रेस किया जाए और स्क्रूज लगाना शुरू कर दिया। लास्ट स्क्रू,
तो बस एक और चीज़ की जरूरत है हमें लेके आता हूँ मैं, हमारा सिम इजेक्टर टूल। तो यहाँ पे इसका सिम जाने का स्लॉट है और ये ओपन हो गया, फोन भी ऑन हो रहा है जो अभी होना नहीं चाहिए था। तो इसका ये ओके, इस तरीके से सिम घुस जाएगा, ये उल्टा करते हुए ऐसा आएगा और ये यहाँ पे इसके अंदर फिट हो गया। देखते हैं इसमें नेटवर्क दिखाता कि नहीं। तो आप इसमें देख सकते हैं न्यू सिम डिटेक्टेड है। ओके, क्लोज कर दिया जाए। और जी का इंटरनेट का भी पॉइंट दिखा रहा है इसमें, सो ओके, फुल नेटवर्क बाहर है। तो चलिए अब मैं आपको इसके फोन करके दिखाता हूँ। पहले फाइल मैनेजर खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। सो आप देख सकते हैं एसडी कार्ड और फोन स्टोरेज। सो एसडी कार्ड ये रहा, आपको एसडी कार्ड का डिटेल्स भी देख सकते हैं। 128 GB में अभी 19 GB अवेलेबल है इसमें। सो चलिए एसडी कार्ड के पहले आपको मैं इसका नेटवर्क दिखा देता हूँ। सो आप इसमें देख पा रहे हैं 3G नेटवर्क आ चुका है। तो कॉल करके देख लेते हैं इसको। ऑल गुड। तो इसको हम कैंसिल कर दिए। इसको भी कैंसिल। अब चलिए मैं आपको इसमें से फाइल मैनेजर में से अब आपको मैं ब्लूटूथ के थ्रू कुछ सेंड करके दिखाता हूँ। तो ये एप्स खोल दें और इसमें कोई एक एप्स ओपन करते हैं, एप्स का फोल्डर। सो 2.24 GB का है। तो इसका भी ब्लूटूथ पहले हम ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ ऑन कर लिया। Here are the top search results. तो इसको सेव, ब्लूटूथ टर्न ऑन, इसका ब्लूटूथ में सेटिंग्स क्या है, चले मिल गया। और यहाँ पे आया है एक्सेप्ट, सो हम इसको डिक्लाइन कर लेते हैं। सो डिक्लाइन। तो ब्लूटूथ भी वर्किंग प्रॉपरली है। अब हम जाते हैं इसका रिसेंट एप्स के थ्रू से जाते हैं। चलिए सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स को ओपन करके वाईफाई इनेबल करते हैं और इसका भी हम यहाँ से मोबाइल हॉटस्पॉट इनेबल करते हैं। और वाईफाई में यहाँ पे मेरा आ चुका है। सो आप देख सकते हैं इसका वाईफाई भी कनेक्ट हो रहा है, दिखते थोड़ा। तो अब मैंने आपको बोला था जैसे कि ब्लूटूथ वाईफाई करके दिखाता हूँ। तो अब इसका मैं
उसके बाद बोला था कि आपको एप्लीकेशन चला के दिखाऊंगा। कोई वीडियो दिख जाता तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे वीडियोस है पर इसमें तो कॉपीराइट लगने का चांसेस हो जाता है, तो फिर भी एक सेकेंड से आपको प्ले करके दिखाता हूँ। लाइक ये सब ऑलमोस्ट लाइक 20 इयर्स ओल्ड होना चाहिए। आपको एक गेम प्ले करके दिखाता हूँ विच इज वन टाइम्स फेवरेट गेम सबवे सफर। ये जो अभी कर रहा हूँ मैं उसमें मैंने जेस्चर एप्लीकेशन डाल रखा है, तो इसके वजह से ये रिसेंट एप्स इस तरीके से खोल लेता हूँ। ये बैक है, नहीं तो ऊपर से तो अभी यहाँ पे वो हो जाएगा। और ये आपका लॉक स्क्रीन हो गया, तो ये लॉक हो गया। अब इसे मैं अनलॉक करता हूँ तो इसमें वॉच फेसेस आ जाएंगे। तो इसका हम सेटिंग्स में जाके वाईफाई क्लोज कर देते हैं, ब्लूटूथ क्लोज कर देते हैं, डाटा कनेक्शन भी क्लोज कर देते हैं और ये मेरा फ़ोन आज से मैं यूज़ करना शुरू करूँगा। आप दोस्तों को मैं पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे साथ बनाए रखने के लिए। और नीचे में कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरा मॉडिफाइड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड्रॉयड 3G फ़ोन कैसा लगा। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आप लोगों को अगर नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, अनलाइक को कभी हिट मत करिएगा। और मेरा ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि बहुत लोग मेरे साथ जुड़ सके और मुझे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार। ओवर एंड आउट।